हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। एंड यहाँ पे मैंने कुछ सामान निकाला है मम्मी को देने के लिए। उनके लिए मैंने मंगाया था ये पर्स एंड उनके लिए ही ये चप्पल है जो कि जूक ब्रांड की है। चलिए देते हैं। ये आपके लिए मंगाए थे हम आपके लिए। देखिए, ओपन करिए। हाँ, और वो ओपन करिए। देखिए, आपका ही साइज होगा। हमने चिंकी जी से पूछा था साइज का। 4 बोला था उन्होंने। 4 भी का मेरा साइज एक है। हाँ, साइज सही है ना। कंफर्टेबल होगी, ये जूक की है, जूक ब्रांड की है ये, कंफर्टेबल होगी। हाँ, मैं पहन ही नहीं सकती वैसे। हाँ, ये वैसी है, मेरी को समस्या ज़्यादा है। बीच में हमको भी हो गया था ना, अभी चलने में दिक्कत नहीं है। हाँ, ये पेट खराब, बहुत खराब चप्पल पहनने से होता है। हाँ हाँ, सोल की वजह से। तो मेरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एड़ियों में दर्द हो गया था, फिर हमको ये वाला हमने मंगाया था। घर में भी यही डॉक्टर ब्रांड की पहनती हूँ। हाँ हाँ, फिर यही हमने भी यही वाले मंगवाए थे, ये डॉक्टर वाला ही था। ये टूटती नहीं कभी भी। हाँ, मैं तो तो यहाँ पे उसके बाद मम्मी पापा मार्केट जा रहे थे, तो वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। और साथ में मम्मी पापा दोनों ही जा रहे हैं, बैग भी मम्मी लेके गई, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है, उनको अच्छा लगा। बोल पहले पट ओके गाइस, तो अभी शाम हो रही है एंड आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है, आज इतनी गर्मी कहाँ से आ गई है। एंड पीहू स्कूल से आ गई थी, वॉचमैन भैया तो ले आए थे, और अभी मम्मी पापा आए नहीं हैं। शाम के क्या क्या टाइम हो रहा है बेटू? 7 o'clock शायद हो रहा है क्या? हाँ, 7:45 हो रहा है अभी, 7 नहीं बजा है, और अभी तक वर्मा जी आए नहीं हैं। पीछे आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं जो आपको ये क्लिप्स में दिख रहे होंगे, लगे हुए हैं। छोटी गुड़िया के, चोंची रैया के बहुत सारे कपड़े आज मैंने वॉश करे हैं, ब्लैंकेट वगैरह, टॉवल वगैरह। हाँ, इसमें धीरे से निकालना बेटू। ओके गाइस, शाम के 7:45 बज रहे हैं और मम्मी पापा अभी तक आए नहीं हैं, और कल है पीहू का स्कूल, तो उसको भूख लग रही है। तो मैं अभी आज खाना कुछ भी बना नहीं है, तो मैं फटाफट से पनीर के पराठे बनाती हूँ पीहू के लिए, और फिर उसको देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पीहू के लिए पनीर का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि कल उसका स्कूल है जैसा कि मैंने आपको बताया, और मम्मी पापा अभी शॉपिंग से वापस नहीं आए हैं, तो उसको लेट हो रहा था एंड उसको भूख भी लग रही थी, क्योंकि वो 8 बजे तक कर लेती है अपना डिनर, तो फिर उसको भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से, अभी सब्जी नहीं बनी है तो पनीर है, तो पनीर का पराठा ही बना देती हूँ, वो खा लेगी। तो बस यहाँ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह जो थे वो मैं साथ के साथ हटाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे किचन ना बिल्कुल फैला अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए। लेकिन आज मैं बहुत दिन बाद बनाने आई हूँ किचन में, और आप लोग के कमेंट आए थे कि आपको मेरी शाम की चाय बहुत पसंद है देखना और साथ में पीना, तो मैं भी बहुत मिस करती हूँ वो सारे दिन। बहुत जल्दी वापस आएंगे, वो सब कुछ हम लोग फिर से करेंगे। पीरू की आवाज़ आ रही थी रोने की, जग गई है। जग रही
है, सो रही है, जग रही है, सो रही है। अगर मैं उधर चली जाऊंगी ना तो फिर उसे लगेगा कि मैं खेलने आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पे पनीर की ये बना ली है स्टफिंग, आटा लगा दिया है। पीहू को एक पराठा बना के दे देती हूँ वरना ना ये ईरो उठ जाएगी, तो कर नहीं पाऊंगी। तो मैं यहाँ पे पराठा जो है वो बना रही हूँ, और अभी मेरा किचन बहुत ज़्यादा मुझे फैला सा और मैसी मैसी सा दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी दिवाली भी आ रही है, आप लोग की शॉपिंग एंड क्लीनिंग वगैरह क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तो मेरा पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, अभी मेरे को ज़्यादा कुछ इतना करना भी नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं यहाँ पे बस पराठा बना करके उसको देती हूँ। अभी पीहू जो है वो थोड़ा टीवी देख रही है, स्टोरीज़ वगैरह वो देख लेती है इस समय, तो उसका थोड़ा मूड चेंज हो जाता है ना। बच्चा स्कूल से आता है, फिर ट्यूशन पढ़ता है, फिर अपना होमवर्क करता है, उसी में उसका सारा टाइम जो है आजकल निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे पीहू के लिए पराठा बना रही हूँ, एंड वो अभी आई थी बोलने के लिए कि मम्मा आज आप पराठा बना रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो उसको अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे बस गरम गरम पराठा जो है वो मैं सेक करके उसको दूँगी। मेरे तो दो ही पराठे बनाने में कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। आज हवा बहुत अच्छी आ रही है, दिन में आज बहुत ज्यादा गर्मी थी और इस समय बहुत अच्छी हवा आ रही है। बैग लग गया बाबू? हाँ। निकाल लीजिए कपड़े, निकाल लीजिए अपनी यूनिफॉर्म यहाँ से अपने। नहीं एक बार इसलिए वापस है। ओके ओके निकाल लीजिए, उधर उधर पैंटी बॉक्स है ना, आओ आ जाओ वो निकाल लो, पैंटी और बनियान लेके आओ जल्दी। ओके तो मम्मी पापा आ गए थे और वो लोग शॉपिंग करने गए थे, तो यहाँ पे ईरू के लिए मम्मी पापा दोनों लोग ड्रेस लेकर के आए हैं। चलिए ओपन करते हैं। नहीं तो उसमें रैपिंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। 20 से ये देखो पीहू, छोटी गुड़िया की ड्रेस, छोटी गुड़िया के लिए ड्रेस लाए हम। ये देखो ये कौन सी अच्छी वन है कि टू अच्छी है। ये देखो कौन सी अच्छी है, ये गुड़िया रानी की। रुको कौन सी एज के वन या टू? यही हूबहू अभी 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 के लिए कौन टू वहां कर, बहुत सुंदर है दूसरा कोई। हां बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये खुल अच्छा यहाँ से ये भी खुलता है, बच्चों के ये वाले सब यहाँ से खुलते हैं, बढ़िया। तो लड़कों को मिली तो ठीक है हाँ, डाइपर वाइपर के लिए नीचे से खुलता है वो यहाँ से। हाँ अच्छा है, ये मदर केयर की ड्रेस। ये कितने का है? ये है 2499, 2500।
सही भी है, मतलब अच्छा है कि रैपिंग पेपर में रैप हो जाए। अरे ये तो आपकी डिजाइन लग रही है जो आप पहने हुई है पीछे का, ये देखिए एकदम से। तो यहाँ पे मम्मी पापा शॉपिंग करके आए थे और ये मम्मी अपने लिए भी एक कुर्ता लेकर के आई थी। ये बीबा ब्रांड का है, अच्छा लग रहा था, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ बिल नहीं मिला है, बिल आपके अब फोन में आने लगा है क्या? क्यों कैश मेमो नहीं मिला है? एक्चुअली बहुत दिनों से मैं शॉपर स्टॉप गई नहीं हूँ शॉपिंग के लिए, तो अभी मुझे पता नहीं है। आई थिंक जो कैश मेमो मिलता था वो अभी बंद हो गया है, पेपर पे ही सीधे बिल आ जाता है, आई थिंक ऐसा हो गया है। क्या बना है इसके ऊपर देखो, पांडा, पांडा बना है, रेनबो बना है, फ्लावर बना है, ये क्या है देखो, डंगरी पैंट। अरे वाह बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। जैसे कितनी देर में सिर में दर्द कर दिया इन्होंने, उसके हमको यो नहीं आया, वो पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। अरे मम्मी की कुर्ती है देखो, बहुत सुंदर। हाँ ये तो बहुत अच्छी है, ये मुझे कपड़ा पसंद आया, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, दीबा का है। सही है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। और मैं भैया डर रहा, मैं कहा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है के बारे में। मैं डर रहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ। ये कह रही कि कहीं ऐसी वो भैया जहाँ पे शॉपिंग होती हो तो वहाँ से पूछ रहे हैं, सबसे ढूंढते ढूंढते पहुँच गए पापा जी। सही है, चलिए देखा बीबा की है, मेरे को पर्सनली तो बीबा ब्रांड कुछ खास नहीं बढ़िया लगी। हाँ पर ये अच्छा है, हाँ ये बीबा ब्रांड के, बट एनीवेज ठीक है, अच्छा है ये। अब ये भी तो ब्रांड है। हाँ वो मदर केयर के हैं, बहुत सुंदर मदर केयर के हैं, बहुत सुंदर। मतलब कह रही थी कि जाना है पर हमें नहीं आइडिया ही नहीं था। हाँ डार्क कलर तो नहीं है, आजकल बच्चों के छोटे छोटे कपड़े ही मतलब ऐसे लाइट लाइट शेड ही आ रहा है तो बहुत सुंदर है ड्रेस। तो बस यहाँ पे मम्मी आई थी देने के लिए कि ये रख लो कपड़े, और बस अब इस व्लॉग का मैं एंड कर देती हूँ। और आई होप आज के व्लॉग को आपको अच्छा लगा होगा, कपड़े अच्छे लगे होंगे, मम्मी की शॉपिंग अच्छी लगी होगी। एंड मैं मिलती हूँ आपको कल अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाय।